ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है बच्चे ना एग्जाम हॉल से निकलते हैं, सर मेरा 100 आएगा, आता 99 है, आता 98, 98 बहुत दुखदाई नंबर है यार। तो सिंपल सिंपल मिस्टेक होते हैं, सिली सिली मिस्टेक होते हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वही डिस्कस करने वाला हूं मैं। क्या क्या आप सिंपल सिंपल छोटा छोटा मिस्टेक करें जिसके कारण आप मार्क्स लूज कर रहे हैं। देखिए मैंने चैप्टर वाइज लिखा है, पहले हम बात करते हैं बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग में है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, लेकिन बहुत बार देखा है मैंने एन विच इज नंबर ऑफ मंथ, बच्चे क्या करते हैं उसके जगह ईयर बैठा देते हैं हरोली में। बी केयरफुल, डोंट डू दैट। मैच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ या इंटरेस्ट दिया हुआ, पढ़ के वो समझ नहीं पाते, या फिर पढ़ के समझ जाते हैं बट वो मतलब जल्दी जल्दीबाजी में वो क्या करते हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ तो उसके इंटरेस्ट समझ लेते हैं, इंटरेस्ट दिया हुआ तो मैच्योरिटी अमाउंट। टेक योर टाइम, रीड द पैराग्राफ प्रॉपरली। मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट दो अलग अलग चीजें, इसे मिक्स मत करना। दूसरा, हमेशा रुपीज का सिंबल यूज करना, और अगर आंसर डेसिमल में आ रहा है जैसे कि रुपीज 62.5 आया, सब रॉन्ग हो जाएगा। टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हमेशा जीरो यहां ऐड करना पड़ता है, नहीं कीजिएगा तो नंबर काट सकते हो, और आईसीसी में हाफ नंबर नहीं कटता है, एक नंबर कटता है, बी केयरफुल। और आपने सोचा फॉर्मूला लिख के आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं, फॉर्मूला फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट वैल्यू निकाल बैठाना पड़ेगा उधर, पाई आर स्क्वायर एच, आर का सही वैल्यू, एच का सही वैल्यू, तब आपको नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो। चलिए, बैंकिंग में ये सब छोटे छोटे मिस्टेक है जो अवॉइड करेगा। ध्यान से सवाल पढ़िए। जीएसटी, पहली बात तो आईजीएसटी नहीं है, पढ़ना मत। जीएसटी में जो कॉमन मिस्टेक है, जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस, कितना में बिका है, मैंने उसे बेचा है 100 रुपया में, तो 100 रुपया में जीएसटी चढ़ेगा, समझ लो, सेल प्राइस पे चढ़ता है हमेशा, या फिर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे चढ़ता है। अगर डिस्काउंट दिया हो तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकालो, उस पे जीएसटी निकालो। कितने बच्चे ना पहले जीएसटी निकालते हैं फिर उस पे डिस्काउंट निकालते हैं, नहीं ऐसा मत करना। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, 100 रुपया का समान था, मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 90 रुपीज में बेच रहा हूं, तो उस पे 90 रुपीज में मेरा जीएसटी चढ़ेगा, ठीक है। जीएसटी में भी सेम रुपीज सिंबल, टू प्लेस ऑफ डेसिमल हमेशा देना अगर डेसिमल में आंसर आया तो। और यही ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आपका, ठीक है। चल उसके बाद शेयर्स एंड डिविडेंड, परसेंटेज रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड, सबका मतलब यही होता है भाई, सबका एक ही मतलब है, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये याद रखिएगा। अच्छा, एट पार बोलेगा अगर ये वर्ड है, मतलब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होता है, याद रखिएगा। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, आपको परसेंटेज रिटर्न निकालना है, जिसका परसेंटेज रिटर्न अच्छा है वही बेटर रिटर्न है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, सम्स को सही से रीड करो। डिविडेंड का फॉर्मूला तो सिंपल सा है, वहां पे कुछ नहीं है, हाँ बस आप रेट ऑफ रिटर्न अगर परसेंटेज दिया हुआ तो बी केयरफुल, वो डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ तो बी केयरफुल, सम को रीड करो, डेटा क्या दिया हुआ वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न बोल दिया, वो डिविडेंड समझ रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड समझ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीनों के तीनों चैप्टर में बहुत कम मिस्टेक होते देखा, जो कॉमन मिस्टेक है रुपीज सिंबल मिस करना, टू प्लेस ऑफ डेसिमल में नहीं देना, ठीक है, ये सब है। आ जाइए आप लीनियर इनइक्वेशन, जो भी मेरे समझ में आया, जो जहां पे सिंपल मिस्टेक होते वही मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जब इनका तुम सॉल्यूशन सेट लिखते हो तो सेट बिल्डर या टेबुलर जिसमें लिखना है लिख लो, मतलब सपोज एक्स लेस देन, सपोज टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो अगर 0 माइनस माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 से 2, अगर इंटीजर है तो माइनस 1 0 1 2, ये कर्ली ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट नहीं चलेगा, फर्स्ट ब्रैकेट नहीं चलेगा, रॉन्ग कर देंगे, सिंपल सा बात है। कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग होता है अलग यार, पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 12 में। अगर ये नेचुरल नंबर है तब आंसर क्या होगा आपका,
1 2। अगर ये होल नंबर है तो आंसर क्या होगा 0 1 2। हालांकि कोई बच्चा अगर चाहे तो इस चीज को हम लोग सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x सच दैट -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, लिख दिया ऐसे, ये भी चलेगा, दोनों ही चलेगा। लेकिन जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये नहीं चलेगा, इस टाइप का आंसर नहीं चलेगा। इसी टाइप का आंसर चलेगा सेट बिल्डर फॉर्म, x इज सच दैट -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा, बच्चे ना टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं कि -1 0 1 2, अरे वो तो इंटीजर है भाई, रियल नंबर मतलब सब कुछ, -2 और 2 के बीच में जितने नंबर्स है, -2 नॉट इंक्लूडेड 2 इंक्लूडेड, सब कुछ लिखना है। बी वेरी केयरफुल, ब्रैकेट ब्रैकेट अगर नहीं देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। कितने बच्चे ना सॉल्यूशन सेट बोला है, तो -2 लेस देन इक्वल टू x था और x लेस देन 2 था, बच्चे ऐसे ही छोड़ देते, नंबर नहीं मिलेगा। आपको सॉल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा। सपोज ये था तो ठीक है, ऐसे करके छोड़ेगा तो आंसर नहीं मिलेगा। उसका नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज -2 से 2 है ना, तो कम से कम दो एक्स्ट्रा, दो एक्स्ट्रा हमेशा देना, जीरो भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नंबर है -2 2 पे रखा, इसे शेड किया और 2 को भी शेड किया, खत्म हो गया। अगर होल नंबर है हो गया, अगर इंटीजर है हो गया, समझ रहे हो, अगर नेचुरल नंबर है हो गया, इस तरह से करते हैं। अच्छा कभी कभी फ्रैक्शन आ जाता है, सपोज फ्रैक्शन ले लेते हैं, सपोज 5/2 और सपोज 4, ऐसा ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो फ्रैक्शन को वहां पे दिखाओ, 5/2 मतलब 2.5, डेसिमल में कर लोगे बेटर होगा, तो 0 0 नहीं, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.5 यहां पे होता है भाई, ये मार्क कर लो ना 5/2, प्रॉब्लम क्या है, और 4 अब कर लो, समझ रहे हो, फ्रैक्शन में तो डेसिमल में मार्क दिमाग में कर लो, कहां पे होगा, यहां पे होगा एकदम बीच में, या फ्रैक्शन यू नो 5/2 था ना, 2.5 विल बी बिटवीन 2 एंड 3, सही है, 2 1/3 होता है, 2 1/3 2 1/3 2 1/3, तो 2 3 2 1/3 ये वाला होगा, दिस इज 2 होल 2/3, दिस इज 3, दिस इज 2 होल 1/3, ये समझ। तो फ्रैक्शन को मार्क कर लेना फिर लिखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद सॉल्यूशन सेट प्रॉपरली लिखना, ब्रैकेट के साथ लिखना। अच्छा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात कर रहे हैं, सपोज आप ने रूट निकाला, √17 आ गया, √26 आ गया, जिसका वैल्यू आपने देखा 5.099 डॉट 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 डॉट, ठीक। आपको बुक दिया रहेगा, सपोज 3 प्लेसेस तक दिया हुआ डेसिमल के बाद, तो पूरा लिखना जितना जो बुक में था, पूरा का पूरा वैल्यू वैसे उतार लेना। अब सपोज आंसर बोला है, और इसके साथ पूरा कैलकुलेशन करना, सपोज आपका था 1 ± √26/2, सपोज तो क्या होगा 1 ± 5.099/2, क्या आंसर होगा, राउंड अप मत कर देना अभी भाई, 6.099/2 एंड -4.099/2, इसको सॉल्व करो भाई, 3.0495, ये क्या है -2.0495, ये ना। अब देखो, अब अगर क्या बोला है, अब राउंड ऑफ करेंगे लास्ट स्टेप में, पहले राउंड ऑफ मत कर देना, टू प्लेसेस बोला है ना, तो टू प्लेसेस मतलब ये 3.05 हो जाएगा, टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला है ना, तो -2.05 हो जाएगा, ठीक है। पहले ही राउंड ऑफ मत कर देना आप कि 10 हो गया, नहीं तब रॉन्ग हो जाएगा, राउंड ऑफ एकदम लास्ट स्टेप में होता है, और सिग्निफिकेंट फिगर और प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज नॉट सेम, ठीक है। इसका वीडियो मैं बना चुका पहले से, सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर वो देख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर भी राउंड ऑफ होता है 2.1592, गिव आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
एक दो तीन, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, 2.16 राउंड ऑफ करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, कॉमन मिस्टेक्स है ये सब, मैंने देखा बच्चों का जो होता है। फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स निकालो, तीनों फैक्टर निकाल लिया बंदा, x माइनस टू कॉमा x माइनस वन कॉमा x प्लस थ्री, फैक्टराइज था सब, तीनों फैक्टर निकाल के लिख दिया। रॉन्ग भैया, फैक्टराइज बोला है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स नहीं बोला है, ब्रैकेट के बीच में कॉमा नहीं होगा, कॉमा दोगे रॉन्ग कर देगा, कॉमा मत देना। रिमाइंडर फैक्ट, रिमाइंडर थ्योरम अलग है, फैक्टर थ्योरम अलग है, समझिए क्वेश्चन को सही से रीड करिए, रिमाइंडर दिया हुआ है, ये सुनो। चलिए यहां पे ज्यादा मिस्टेक नहीं होता है, बहुत इजी सा थिंग है। अच्छा, मैट्रिसेस में भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देख लेना अच्छा से, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होता है देख लेना, क्या कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए तभी होता है मल्टीप्लाई, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम वही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं, मैट्रिक्स में ना सपोज ए स्क्वायर निकालने बोला और ए दिया हुआ है 1, 2, -1, 2, तो बच्चे क्या स्क्वायर कर देते हैं, भैया ऐसे मत करना, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब 1, 2, -1, 2, 1, 2, -1, 2, ऐसे करना, ए एक्स इक्वल्स टू बी, फाइंड एक्स, एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए, डिविजन नहीं होता यार, अभी नहीं होता, ये नहीं करना है, या फिर x इक्वल टू बी माइनस ए देखा मैंने करते हुए, नहीं यार, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स को ही कुछ लेना पड़ता है, मैट्रिक्स अज्यूम करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना पड़ता है, सम किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सब चीजें मैट्रिसेस में आपको याद रहना चाहिए, हमें क्लियर। एपी जीपी में फॉर्मूला आप देख लेना, एपी जीपी जो है, एपी एंड जीपी वो वाला देख लेना, जब फाइन थ्री टर्म्स इन एपी, फाइन थ्री टर्म्स इन जीपी, ये वाले सब बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला सब देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए आपका, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला देख लेना अच्छे से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीजों को याद रखना है कि x इक्वल टू जीरो इज y एक्सिस, x इक्वल टू जीरो बोल दिया होता वही y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू जीरो ये x एक्सिस है, x इक्वल टू सपोज थ्री, x इक्वल टू a दे दिया, तो x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, 0। इसी प्रकार अगर y इक्वल टू -1 दे दिया तो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, याद रखिएगा, और अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, अरे कहां से पास करेगा, 0, -1। ये सब बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं मैं देखता हूं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 0, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, b, एक्स एक्सिस पे a, b ले रहे हैं, क्यों भाई, 0 होता है, रेशियो निकालने के टाइम काम आता है, फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू पॉइंट आर डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, b, x का वैल्यू निकालने इक्वेट कर देंगे और क्या, जीरो से निकल जाएगा। ये सब चीजों पे ध्यान रखना, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो फिगर आता है उसका ज्योमेट्रिकल नेम देना, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, काइट, बोट मत लिख देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेप्टागन, ज्योमेट्रिकल नेम देना, क्राउन लिख दिया, एरो लिख दिया, बो लिख दिया, हाउस लिख दिया, अरे थोड़ी चलता है, ज्योमेट्रिकल नेम लिखिएगा। और अगर कुछ साइड्स है, पेंटागन, खत्म, हो गया, समझ में आया। रिफ्लेक्शन और स्केल याद रखना, ठीक है, स्केल प्रॉपरली यूज करना, एक्स एक्सिस में कितने सेंटीमीटर को कितना यूनिट लिया आपने, दिया रहता है क्योंकि समय नहीं दिया था, खुद का स्केल बनाना, कन्वीनियंट स्केल बनाना। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मैं देखता हूं बच्चे ना एक्सियम लिखना भूल जाते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्यों, एंगल एंगल प्रॉपर्टी है या एस 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 प्रॉपर्टी है
या एंगल साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी है, ये आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और एक चीज, जब ये लिखते हो तो ध्यान से, मतलब अगर देखो ध्यान से, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, देखिए पहले इसको समझिए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू बी आर पी, ऐसे लिखेंगे, पी क्यू आर लिख देगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसी के बाद तो हम लिखते हैं ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी, ए सी बाई क्यू पी, इसी के बाद तो लिखते हैं हम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सही से लिखना, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सही से कर लेना, मैप्स एंड मॉडल्स देख लेना, उससे सम आने के चांसेस बड़े ही ज्यादा है, ठीक है। लोकस और कंस्ट्रक्शन का सम मिला के देगा एक साथ। वहां पे एक चीज याद रखना है, जो हेक्सागन है, शॉर्टकट मेथड भी है, यू नो, सर्कल बना के फिर 5-5 सेंटीमीटर काट दिया, हेक्सागन बन गया, नहीं नंबर नहीं मिलेगा आपको। साइड बनाया 120 120 काटा, फिर यहां पे 120, इस हिसाब से बनाते हैं हम लोग, समझो। ये वाला मेथड में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और आर्क शुड बी विजिबल, इफ द आर्क्स आर मिसिंग, ट्रस्ट मी योर मार्क्स विल बी मिसिंग, ठीक है। तो आर्क्स शुड बी विजिबल। अच्छा, अगर मैं सॉल्यूशन में देखो, अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है सम में, तो 22/7 ये बढ़िया वैल्यू होगा, फ्रैक्शन लेके चलना, डेसिमल से बेटर होगा। और अगर डायमीटर या रेडियस आपको 7 का मल्टीपल है तब तो ये लेना, ठीक है। ट्रिगो टेबल आपको आना चाहिए, किस तरह यूज करते हैं, प्लीज लर्न इट। अच्छा, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये मैं बताना रहा था कि अगर आपका कुछ इस हिसाब से सिचुएशन आ गया, और टैन 138 का वैल्यू है 0.7813, तब इसे कैलकुलेट करोगे, मत करना इसको ऐसे, डिवाइड मत करना, क्या करना, 150 है, tan 38 को आप cot 52 लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हो, अब ये हो जाएगा 150 इंटू tan 52, हो गया खत्म। अब कर लो, अब मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। तो ये सब चीजें आप याद रखना, क्लियर है। अच्छा, जब आप ऊंचाई बनाते हो, अगर किंक का जरूरत है तो किंक यूज करना, मतलब आपका रीडिंग स्टार्ट हो रहा है सपोज 100 से लेके 110, 110 से लेके 120, तो आप ऐसे किंक दोगे, फिर आप लोगे 100, फिर 110, ऐसे लोगे। तो किंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल बी केयरफुल विद द स्केल, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 10 है फिर 120 यहां पे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सही से एकदम स्केल सही से दिया, ठीक है। उसके बाद ओजाइव का शेप हमेशा ऐसे होता है। अच्छे, एक चीज याद रखिए, ओजाइव से मीडियन निकालने बोलेगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑड इवन, अरे भैया कुछ नहीं, ओजाइव से अगर मीडियन निकालना है आपको, एन बाई थ्रू एट टर्म के अकॉर्डिंगली निकालेंगे, बस खत्म। अब एन ऑड है, इवन है, फलकाना ढिमकाना, डजंट मैटर, एन बैठा दो इधर, 140 तो 140, 141 है तो 141, नो ऑड इवन कि एन प्लस 1/2, नहीं कुछ नहीं, हो जाए मैं आप यही यूज करते हो, कुछ नहीं देखेंगे ऑड इवन। लोअर क्वार्टाइल एन बाई फोर, कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। अपर क्वार्टाइल 3n बाई फोर्थ टर्म, एकदम नहीं देखेंगे एन इवन या ऑड है। ये याद रखिए, बहुत सारे बच्चों का इश्यू था कि सर क्या यूज करें, ठीक है। तो ये कुछ यहां पे ये याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑड इवन और डजंट मैटर, मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल ऐसे ही निकालते हैं, एन प्लस वन नहीं यूज करते ओजाइव के केस में, हमारे क्लियर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस जब लिख रहे हो तो ये कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, ये ब्रैकेट नहीं यूज होगा, रॉन्ग कर देंगे वो लोग। सैंपल स्पेस पूरा लिखो सही से, ठीक है, रिपीट मत कर दो, रिपीट मत कर दो, एक और दो बार रिपीट कर दिया, नहीं रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस इज अ सेट,
और क्या, बस ये सब कॉमन मिस्टेक्स थे, इनको अवॉइड करो, आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। इन सब मिस्टेक्स पे ध्यान देना, डोंट हरी अप, डोंट रश, रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली, ठीक है? क्वेश्चन सही से देखो, यूनिट्स देखो, डेटा देखो, उसे उतारो सही से, फिनिश योर पेपर बिफोर टाइम, ट्राई टू रिवाइज। मेरा हमेशा कहना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत जाओ, ट्राई टू रिवाइज, गो थ्रू द सॉल्यूशन वन अगेन, सी द क्वेश्चन पेपर। चलो, आई होप कि ये यूजफुल होगा आपके लिए। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।